क्या भारतीय वायुसेना ने चीनी पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए पेंगोंग सो झील के अंदर अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किया है। सोशल मीडिया पर पानी में डूबे एक हेलीकॉप्टर की तस्वीर के साथ कुछ ऐसा ही दावा किया गया है। क्या है इस वायरल तस्वीर की सच्चाई, एक रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। पानी में हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के अगल बगल दो गोताखोर भी हैं। ये हेलीकॉप्टर पानी के अंदर क्या कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि हेलीकॉप्टर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया? नहीं, सोशल मीडिया तो इसके पराक्रम की चर्चा कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर चीनी पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए भारत चीन LAC पर तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना ने पेंगोंग सी झील के अंदर भारतीय अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। 2x4 टॉर्पीडो और लॉन्गबो सोनार से लैस ये हेलीकॉप्टर किसी भी चीनी पनडुब्बी पर नजर रख सकते हैं, साथ ही उन्हें तबाह करने की भी क्षमता है। ये तस्वीर फेसबुक ट्विटर पर धड़ाधड़ शेयर की जा रही है। ऐसे में सवाल है, जब भारत के पास अच्छी पनडुब्बियां हैं तो सेना ने पानी के अंदर हेलीकॉप्टर क्यों तैनात किया? और एक अहम सवाल, क्या अपाचे हेलीकॉप्टर पानी के अंदर पराक्रम दिखा सकता है? पानी में दिख रहा हेलीकॉप्टर अपाचे ही है? वायरल हो रहे दावे की हमने पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें एक और ट्वीट मिला जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर भारत में नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम के ल्यूटन झील में रखा गया है और यहां भी वही झील की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। एक हेलीकॉप्टर और दो दावे, हमारे शक की शुरुआत यहीं से हो गई। हमने तस्वीर की और पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें यही तस्वीर सोशल मीडिया साइट पर मिल गई। तस्वीर के साथ लिखा है, जॉर्डन के अकाबा मिलिट्री म्यूजियम की शानदार तस्वीरें। हमने जॉर्डन के अकाबा मिलिट्री म्यूजियम के बारे में भी पड़ताल की। पता लगा इस म्यूजियम का उद्घाटन पिछले साल जुलाई में ही किया गया है। और ये देखिए, जिस हेलीकॉप्टर की बात हो रही है वो पानी में जा रहा है। जब पानी के अंदर हेलीकॉप्टर को रखा गया तब वो नए जैसा था, चमचमा रहा था। वायरल तस्वीर की तरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। साफ है तस्वीरें भारत या यूनाइटेड किंगडम की तो है ही नहीं। अब एक और वीडियो देखिए जिसे साल 2019 के आखिरी महीनों में अपलोड किया गया। तब तक हेलीकॉप्टर में जंग लग चुका है, वायरल तस्वीर से बिल्कुल मेल खाता हुआ। ये अनोखा म्यूजियम जॉर्डन के अकाबा तट पर लाल समुद्र में 92 फीट की गहराई में बना है। जॉर्डन की सेना को इसे बनाने में महज 7 दिन का समय लगा। एक और बात, जॉर्डन के अंडरवाटर मिलिट्री म्यूजियम में जिस हेलीकॉप्टर का मॉडल रखा गया है उसका नाम बेल AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग भारतीय वायुसेना ने कभी नहीं किया। ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के पास भी कभी नहीं रहा। जहां तक मेरी जानकारी है, भारतीय वायुसेना में बेल AH-1 का कोई भी स्क्वाड्रन नहीं है और ना ही रहा है। AH-1 कोबरा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कई देश करते हैं, जैसे US, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, फिलीपींस और पाकिस्तान, इवन जापान। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती की है, लेकिन कहीं भी हेलीकॉप्टर को अंडर वाटर तैनात करने की बात नहीं कही गई है। LAC पर भारत ने चिनूक को भी तैयार कर रखा है जो पानी पर तैर भी सकता है। लेकिन क्या हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर भी पानी के अंदर पराक्रम दिखा सकता है?
इसके अंदर लगे हुए जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके अंदर लगे हुए रडार हैं, ये पानी के अंदर जो अपना एक टारगेट होता है या कोई दुश्मन है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही पानी के अंदर होने वाली चीजें, हरकतें भी ये जल्दी से नोटिस कर लेता है। इसलिए शायद लोग कहते हैं कि ये पानी के अंदर जाकर भी शायद लड़ लेगा, बट अभी तक हमें ऐसा पता नहीं चला है। हम इसका उपयोग सिर्फ पानी के ऊपरी सतह तक जाकर दुश्मन के किसी चीज का, ठिकाने का पता लगाने के लिए हम करते हैं। कुल मिलाकर ये साफ है कि भारत ने पेंगोंग झील के अंदर अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात नहीं किए हैं। वायरल दावे के साथ जो तस्वीर शेयर की जा रही है वो जॉर्डन के मिलिट्री म्यूजियम की है, जो पानी के अंदर बना हुआ।